बाबा का मरने का समय आता रे बाबा के रुख के मार लग गया ए छोरी आए हाँ बाबा मर गया है छोरी क्यों जा बाबा ए छोरी मर गया है क्यों जा आए तू नहीं बता हाँ तेरा कढ़ाई तो उठिया था मरा थोड़ा सुंडी दो रे तो उठिया था आए मेरा थोड़ा और तलान तो उठिया है क्यों गया ए छोरी ला पकड़ ले ओहो बाबा तेरे खातिर भी दाई लानी पड़ेगी के ए छोरी लुगाई छोरी तो कुआ में पड़ जे मेरा गला या बन की तो कितने नलका की बोकी में फंस के मरना पड़ेगा क्यों गया ए ला पकड़ ले कड़े सीते क्यों गया ओ बाबा क्यों गया अच्छा बोले या ए ला पकड़ ले बाबा बाबा ओहो क्या बाबा मर जाता है रानी रूपानी अपने लड़के रुके लगाती आवाज लगाती है लड़का 5 साल का हो गया 8 का बेटा लकड़ा रे बेटा लकड़ा रे नींद आएगी लकड़ा रन तो बेटा लकड़ा रे बाजा 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 बेरा निकड़ा ही लकड़ी काट है हेलो हेलो बेटा लकड़ा रे माँ अरे बाजा सर गई छोड़ा हो गया भाई ए माँ आजा 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 माँ आइए मेरा बेटा आइए आइए ए माँ आ गया तू आ गया आजा आ गया माँ आ गया बेटा आ गया माँ ठीक से हाँ ठीक से बेटा छोड़ा हो गया क्या हो गया माँ पूरा ना मरूंगा लेट जी बेटा अमा देखिए ये बाबा मर गया बाबा मर गया और अमा हां बाबा मर गया मर गया बाबा अमा यू बोलला कोनी बोलला कोनी अमा यू चला चलेगा चल भी कोनी यू और इसकी मिट्टी हो गई है मिट्टी होगी हां ए मां हां इसका बलद बना लियो आ उधर ले जुआ तो नहीं और इसकी मिट्टी हो गई है जो इसके पास तथ्य वो खत्म हो गए हैं इसकी मिट्टी होगी हाँ जो इसके पास तथ्य थे वो खत्म हो गए इसकी समाधि बना दिया बेटा समाधि बना हाँ ठीक समय पर समाधि बनाओ समाधि इसकी बस इतनी तो बतेरी इतनी बतेरी बेटा ठीक समय सजना लकड़ा रहना सोची क्या जुकर बाबा मर गया कदे न्यू मां मर जे उसके मामा विचार आते हैं क्या नाम गाम पता ठिकाना सब एक तबीज बनाती है तबीज पे क्या लिखते क्या कहती है तू जोधपुर शहर का रहने वाला है राजा जोधानाथ का लड़का है हाँ। तेरी माँ का नाम रूपवाणी है जंगल बियाबान में 12 साल के लिए जसोटा काटने के लिए आई थी तू बेटा किसी फकीर का लड़का नहीं है तू राजा का लड़का है बेटा लकड़ा रे ये सब लिख दिया हाँ माँ ए माँ हाँ चल लकड़ी ले आवा ना भाई आज मेरे पन चल ले जांदा मेरे ये तो कच्ची हो रही है भाई और पेट सा भी दुख है ए माँ चल माँ क्या हो गया तेरे देख बेटा यू तबीज मैं यू तेरा बंद होगी मेरा बंद है की हाँ माँ हाँ मसूत्रा लागू और बेटा मना व्यक्ता मने सूत्रा लागा के तेरे टोक लाग जा अच्छा जी हां चुकर बंद सुनिए चल भाई ये रे तेरा बांध दे तू तबीज अरे बांध दू अरे बंद है माँ मत खो दिए मेरी माया कि सच्ची जगा तभी जसर मन बेत नहीं पाया री तेरे बंद है तू तभी जब मत खो दिए मेरी माया कि सच्ची जगा तभी
तेरा बांध दे तबीज। हाँ। मत खो दिए मेरी माया। अरे किस चीज का तबीज से मन भेद नहीं पाया। अच्छा हाँ। के अपने में यू दुख सेना अच्छा।
बिन कोई ना मेरा ना
बाबा भी मर गया, मां भी मर गई, जड़ा बाबा गया ओड़े मां गई, लकड़ा रहने के सोचा समाधि बना दे, समाधि बना दे बाबा की डाले ए ले। प्रेम सुनो, जो मर गया उसे बना सर गया। अब लकड़ा रहा सोचता है काम क्या करूं, मां गेल लकड़ी कटन जा करता, केठ कराया कुआड़ा ठा लिया और लकड़ी ठा ली। खड़ा है हेलो, 300 रुपए दो। छतर सिंह पहलवान 200 रुपए मंदिर में, धन्यवाद बहुत बहुत आपका भाई। मंदिर में दान का भी ध्यान दो, ये बाप पवन बंसल चल फिर रहे हैं, हम आपके बीच में इनका सहयोग करें और जोड़ी में भी सहयोग करें। मामन बेटा प्रधान जी ने जाना है, मान सम्मान करेंगे आपका। अरे लोगो यो दुख मोटा तन पयोटा बाद बड़ोटा चाल पड़या, यो दुख मोटा तन पयोटा बाद बड़ोटा चाल पड़या, यो दुख मोटा तन पयोटा बाद बड़ोटा चाल पड़या। मां चप लकड़ी बेचन सिक्या, अरे मिल गया मेरे कर्म का लिखा, मिल गया मेरे कर्म का लिखा, लिखा भरना खेड़ा हुआ के जरा ना लग गया जरा ना गया लड़ा रे, यो दुख मोटा तन पे उठा बाद बड़ोटा चाल पड़या, यो दुख मोटा तन पे उठा बाद बड़ोटा चाल पड़या। परमेश्वर ने दे दिया बुद्धि बल, लड़का सोचने लग गया अकल, लड़का सोचने लग गया अकल, खेल कर लिए पत्थर बन बन के चतर फुटन खतर खेल कड़ा, यो दुख मोटा तन पे उठा बाद बड़ोटा चाल पड़या। अब मां तो पैर में आ जाता है, क्या बात हो तो लो जी आ जाओ जी। इस कमेटी का, इस महफिल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आज मेरा लास्ट लास्ट का प्रोग्राम, अगर जी इस पार्टी से मेरे से कोई गलती सलती हो माफ करना, जितना भी काम करेंगे हंगामा के करेंगे। शाबाश। श्रीमान मदन मोहन जी इस रोल पर खुश होकर के 200 रुपए इनाम में देते, बार बार धन्यवाद करते हैं। एक शिव मंदिर की परंपरा है, जो भी आए साल यहाँ कलाकार आते हैं उनका मान सम्मान मंदिर की ओर से होता है। मैं गौरव गर्ग जी, गोपी शर्मा जी स्टेज पर, मदन मोहन शर्मा जी कार्यकारी अध्यक्ष, गौरव गर्ग जी महासचिव है और गोपी जी सेक्रेटरी, बालकृष्ण जी आप भी आ जाओ ऊपर, ये थेला और मेमेंटो तो उठा कर ले आना। राधे श्याम जी आप भी आ जाओ भाई। एक बात तो बताओ, ये कलाकार बढ़िया है कि नहीं आपके लिए मनोरंजन के लिए? ताड़ी तो बताते उसके नाम की। धनपत सिंह के संग और शाही लक्कड़ आ शिव मंदिर की स्टेज है, पहली दफा सांग होने लग रहे हो? पहली दफा शाही लक्कड़ आ रहा? आज तक किसी संगी ने शाही लक्कड़ आ सांग नहीं दिखाया होगा, अपना कैसा लोग अंधे संधे ना, बड़ा मजा आएगा पूरा सांग देखना। शाबाश। चौधरी जिले सिंह जी स्टेज पे आ जाएं, एक मिनट ठहर जा, मैंने यो कर लें बीच में, नहीं कर दे डिस्टर्ब। भाई ये सारे शिव मंदिर के पदाधिकारी हैं, इनकी देखरेख में ये सांग तमाशे सब हो रहे। कल से मोहम्मद वीर आपके बीच में,
ये मामन सिंह सांगी उभरता कलाकार है, हमारे मधुबन में सर्विस करते हैं, हवलदार साहब हैं। बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमने इनको कॉन्टेक्ट करा, जब ये माने भाई। इनकी टीम का भी कमाल है, जितने संगीतकार हैं, ढोलक मास्टर, क्लारनेट मास्टर राज सिंह सीसमोर, इससे बढ़िया हरियाणा में क्लारनेट बजाने वाला कोई नहीं है। क्यों हर साल हमारे यहाँ फंक्शन में आते हैं, मास्टर बलबीर जी पेटी भाई, इनके मुद्दत होके आते हैं। अरे मैं तो अतर सिंह जी का धन्यवाद करूंगा, ऐसा होनार बच्चा इनकी देख रेख में उभरा है सांग कला में। लो जी एक बार जोरदार थाली शाबाश भाई गौरव गर्ग जी, राधेश्याम जी आप शाल देते। राधे श्याम गोयल जी, सम्मान शॉल से सम्मान करते हुए मामन सिंह का। अब गौरव गर्ग जी महासचिव श्री मंदिर की ओर से, बालकृष्ण जी आप भी दे दो हाथ लगा दो, इसका धोती कुर्ता से सम्मानित करते हुए। चलो बहुत बहुत बढ़िया भाई, इस बच्चे ने बहुत मेहनत करके 5 दिन सांग दिखाए, आप लोगों को मनोरंजन करा, अब आगे सांग देख रहा इनके। गौरव गर्व जी सम्मान करते कलाकार का, गोपी शर्मा जी। अच्छा 500 रुपए मंदिर में दिए गोपी शर्मा जी ने, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। लो जी शाबाश, थैंक यू। इस कमेटी का जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद करते हुए, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पलाराम जीयों का, जिन्होंने आपके बच्चे को याद किया, मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक मोमेंट के साथ में, पगड़ी के साथ में लोगा, पगड़ी वैसे एक कपड़ा है, कपड़ा नहीं है यू। इस पगड़ी का मान सम्मान इज्जत बहुत बड़ी चीज है, पगड़ी छोटी चीज नहीं है, इज्जत रखनी स्टेज के ऊपर। तहे दिल से धन्यवाद इस कमेटी की तरफ से, एक बार जोरदार ताली शाबाश। और 700 रुपए से मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। साहिबाना बनुका करें के तने बुलाई नाट गई, जी आवन ने नाचाया, पैर आप ठा लाया, कुछ मेरी समझ में ना आया, और बोले कह दम पशिंग नदाने के थारा प्रेम मन ठा लाया। आपके प्यार प्रेम में, आपके सहयोग के लिए भाई 5 दिन का मना ये टाइम निकाला, धर्म का काम था, शिव मंदिर का काम था। आगे कदे भी आप के आधी रात खड़ा पाऊंगा कदे भी कर दियो बेरा। इस मंदिर की तरफ से आप लोगों की सेवा में कभी भी याद करोगे, दिन रात तेरी उत्तन हाजिर है। धन्यवाद भाई। मैं स्टोंडी से जोगिंदर जी हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा आज को प्रोग्राम को बनाने में, मामन सिंह का और मोहम्मद मीर का, मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ। बहुत मेहनती बच्चा है, स्टोंडी से स्पेशल आते हैं रोज सेवा करने मंदिर के। लकड़ा लकड़ी काट करके कहां जाता है, माधवपुर शहर के अंदर आवाज लगाता है, और क्या सेठ और स्टानी आते क्या बात।
लाकड़ी ले लो लाकड़ी। ओ सेठ जी आ के बात से ले लो लाकड़ी आ जा। ओ सुने के आ के कहे घर लाकड़ी नहीं रह रही हैं। लाकड़ी नहीं रह रही सिलेंडर पे पोले सिलेंडर पे नहीं पोती मैं आन दे किसी लकड़ी आन दे आन दे ठीक है आन दे किसी लकड़ा रहने ले लो लाकड़ी। ओ भाई लकड़ा रे ओ भाई लकड़ा रे। हाँ जी आ भाई लकड़ा रे। हाँ जी आ जा भीतर आ जा भाई भीतर आ जा। आ गया आ गया आ गया आ जा आ गया आ गया लतार ले ए उठका उठे गुठा तार दिया सेठ जी। हाँ लकड़ी है लकड़ी। हाँ एक घर हाथ दिखाया हूँ भाई दिखाया है दिखाया। आ सिटानी। हाँ सेठ जी आ देख यात्रा चुल्ला में ठीक है जी। शेर जी हाँ ये लकड़ी हाँ ये लकड़ी तो चंदन की है, है? चंदन की चंदन की से हाँ के बाले वहाँ के ले वहाँ पहले बात कर ले उसकी के ले। अच्छा ओ भाई लकड़ा रे। हाँ मारी सेठानी का समझ में आ गई लकड़ी समझ में आ गई। इनका रेट बोल रेट। हाँ लगा लकड़ा रहने लकड़ी करती देखी थी माँ बेचती कौन देखी थी भूखा था भूख ना पुकारा पीछे ने उन्हें क्या मतलब था सेठ जी। हाँ रोटी चार लूंगा चार चार डट जा पूछा हूँ अस्टानी। हाँ त्रेड के बोली बोली खोद खोद। हाँ क्या बात होगी रोटी चार मांगे हैं फिर दे देंगे ना क्यों और तुड़वाऊंगा। ओहो हाँ बहुत मुश्किल था दिन जुड़े से भाई तने रोटी आधी दे देंगे ना भाई हट मेरे रे रे डर तो मेरा तू छोड़ डर मेरा तू छोड़ तो ना ना आगे डाकू बैठे डाकू डर जा एक बार फिर डर जा छोटा टू कोर लाए दूंगा भाई ना भाई ना रोटी तीन दे दिए तने ढाई दे दिया ना भाई डेढ़ सेठ जी दे देंगे ढाई रोटी तो देर न तैयार हंड है डट जाना डेढ़ इवेक सुन ले के कह तीन यो तीन कह है और तू डेढ़ कह है मैं डेढ़ कहूँ है इसकी तीन नहीं तेरी डेढ़ नहीं रोटी दो दे देंगे। हाँ ठीक से डट जा ठीक से तो रोटी बरात ने भी मिला ही है ठीक से। ओ भाई हाँ लकड़ी यही होनी चाहिए लकड़ी यही होंगी भाई ये हाँ दे दे स्टैनी ले ले मैं दिया हूँ ला मैं दे दूंगा दे दे भाई तू दे दे ये ले क्या है ना मुकर ले क्यों हो गया अरे हाँ सूखी है रोटी अल्ली तो तेरा घर करेगा अरे कि मैं दर्द तो दे ला मैं बैठ के चल लूँ पागल ओ भाई डड़की गुड़ी नहीं देंगे अचार अचार फाड़ का कोई नहीं दिया और ओ देंगे मेरे चांगा चूतड़ फूक पागल हाँ दे दे स्टैनी गुड़ तो ये चोड़ा में गिर का खा के चलो भाई ठीक है दो रोटी ले रोज लूंगा रोज दूंगी पक्का पक्का रोज हमने को नहीं मिलती आ एक एक टाइम खिचड़ी बनावा भाई रोटी मिली इतना खुश हो गया क्यों रोटी मिल गई भूख लग रही थी लकड़ा रहने पुनिया को थानी मामर की ले के रोटी है कुशी ले के रोटी खड़ा गया कुटिया में आ गया पहली बार हाथ में रोटी आई क्योंकि माँ याद आ गई लखड़ा रहा के लोगों क्योंकि न्योका आगरा माँ की आत्मा अलग होती है रोटी आई जब तो हो गया खुश लेकिन जब खान लग गया अग्नि तोड़ा टूक
माया दागी नुकाया कर दी के मामा चक लिया वा नुकल दी बेटा एक और काले ना मामा चक लिया बेटा एक और काले क्या करना क्या शबास हेलो बैठे फूस के घर में राजा जिंदगी की शेर घर में Ready!
साई मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और 100 रुपये हरियाणा मिठे जी, हरियाणा के कंपटीशन के मशहूर कलाकार हो बलराम कुमार जुए वाले, उनके भाई छोटे हेड कांस्टेबल अनिल कुमार मधुबन से मेरे साथ नौकरी करते हैं, 100 रुपये इस लागने में खुश होकर के देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। राजवीर गांव सावनपुरी जिला झार से 200 रुपए मंदिर में, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। इस रागनी में खुश होकर के जिन्होंने कल प्रस्तुति देनी सांग की, बहुत ही सुप्रसिद्ध संगी सुरमादरा के रहने वाले मेरे बड़े भाई मोहम्मद मीर, 100 रुपये इस रागनी में खुश होकर के देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। छोड़ के रमा का ख्याल छोड़।
जी गांव चौचड़ा से 1100 रुपए दिए, 600 रुपए दिए, 500 पहले दे गए थे, और ये 10 रुपए पार्टी के हैं जी, इसमें ये मंदिर के हैं, ये किसके हैं, 1111 दिए मंदिर में इन्होंने, धन्यवाद जी चौचड़ा साहब। बहु ज्वेलरी के रहने वाले चाल जी, रिटायर्ड इंस्पेक्टर साहब जय भगवान जी, इस रागनी में खुश होकर के 100 रुपए इनाम देते, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। 10-20 रुपए जिन्होंने और दिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शाबाश। अब लगा ये खिस्सा यही की यही सपोर्ट हो जाता है। अब क्या राजा राय सिंह और उसका मंत्री घूमने के लिए जाते हैं और क्या बात होती है? भाई आज मेरे मन में के एक सवाल आया है, के आया, मैं ये लिखता हूँ, क्या लिखते हो कि मनुष्य किस करने से पार होता है, किस करने से, और ये दरवाजे पर लगा दो ये पर्चा, चलो देखते हैं कौन जवाब देता है इसका। ठीक है जी, ला दिया। खड़ी हो जाओ लड़कियों, 16-16 साल की हो, खड़ी हो, चलो खड़ी हो जाओ, तू भी बहन भी ना, नमस्कार, हाँ नमस्कार, हमारी बात सुनो, हाँ सुनो, हर वक्त पढ़ाई में माथा मारती हो, अच्छा सर करण भी चल जा कर, क्या गुन्ना करें देख के सब, मैं नहीं जाती, क्यों मेरे को तो पढ़ना है, के पढ़ना मेरे को तो दिमाग खराब हो जाएगा ज्यादा, अच्छा? तो हाँ पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, हाँ कुआ मौज मस्ती भी करा कर, अच्छा चलो हमारे साथ, चलो फिर चलती है, लगाइए परवाना। हाँ हाँ बहन बोलिए, जो ये परवाना है ना, हाँ इसे उतार के लेके आओ, उतार के लेके आ जाओ, इसके तो आंखें नहीं खुल रही, बलग है, ये देखो, ये बताओ इसमें क्या लिखा है? अरे काला अक्षर भैंस बराबर, हमें क्या मालूम, बदतमीज, पढ़ी लिखी तो आप हो, वैसी पढ़ाई को भी सराते हो, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है क्या इंसान किस करनी से पार होता है, क्या इंसान किस करनी से पार होता है, किस करनी से पार होता है, आपको पता है? पता नहीं, नहीं, अच्छा नहीं पता, मैं इसका जवाब देती हूँ, बोलो, देखो अगर लिखने वाली है औरत, हाँ तो अपने पतिव्रता के धर्म से, अच्छा जी, अगर है लिखने वाला पुरुष, हाँ दान करने से, शुभ कर्म करने से, मैंने आपने इसका जवाब जवाब दे दिया है, वहीं लगाया, वहीं लगा दो, ठीक है जाओ, लो जी सजनों, बिना ने जवाब दे दिया राजा राय सिंह की लड़की ने, या तो इंसान दान करने से पार होता है या पतिव्रता के धर्म से पार होता है, अगले दिन मंत्री और राजा जाते हैं, क्या बात होती है? चलो मंत्री देखते हैं किसको दिया जवाब, चलो जी, हेलो हेलो, ओहो अरे उतार के लिया इस परवाने को, लो जी क्या लिखा है इसमें, दवा बताओ जवाब देना, क्या जी देखो देखा, वाह इसमें तो बहुत अच्छा जवाब दे दिया यार, क्या इसमें लिखा था मैंने मनुष्य किस करनी से पार होता है, अच्छा जी इसमें लिख दिया या तो अपने शुभ कर्म से या फिर पतिव्रता के धर्म से, जवाब तो सही है, किसने दिया दरबार लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ, बोलो देखा लो आओ, अरे ओ दरबार के लोगो, हाँ जी बोलिए, हाजिर हो सारे, हाजिर हाँ, ये मेरे प्रश्न का जवाब किसको दिया है, कि आपने क्या लिखा था, मैंने लिखा था मनुष्य किस करनी से पार होता है, अच्छा हाँ इसका जवाब दे दिया, हाँ इसका जवाब दे दिया, दिया जी आमो इतने बड़े कड़ा हाथ रहे बात का जवाब देश का, आप तो बहुत ज्ञानी, एक बात बताओ, बोलो तुम किसके कर्म सा खाते हो, आपका कर्म का खावा, हाँ जी मौज लियो भी रोज लियो, ठीक है जी, नहीं आवा तो खोज लियो, ठीक है जी, अरे मंत्री जी लड़कियों को बुला कर लिया, अच्छा हाँ चलो हाँ पता चलेगा, हाँ बोलो क्या बात है, बोलो पिताजी नमस्कार, नमस्कार बेटी नमस्कार, पिताजी नमस्कार, एक बात बताइए, हाँ ये मेरे प्रश्न का जवाब किसको दिया है, पिताजी हाँ मन्ने तो कोने दिया, आपने नहीं दिया ना, चलो ठीक है फिर, आप एक और बात बताओ, क्या तुम किसके कर्म का खाती हो, आपके कर्म का, मौज कर भी तेरा बढ़िया वाणा करूंगा, अच्छा हाँ सारिया ने पूछ ले, आए
तो किसके मेरे प्रश्न का जवाब तने दिया? नहीं पिताजी मैंने नहीं दिया। कोई नहीं दिया? नहीं पिताजी। फिर एक बात बता, तो किसके कर्म का खावा है? मैं आपके कर्म का खाती हूँ पिताजी। ठीक है, तेरा दो लड़कियां का ब्याह करूंगा। अच्छा पिताजी, एक के गेला कर दे बस। दूसरा करेगा काम है तने रंड को नहीं होने देगा मर गया तो बेला। पिताजी नमस्कार। आपने दिया मेरे प्रश्न का जवाब? नहीं पिताजी नहीं दिया। नहीं मैंने नहीं। तो एक और बात बता। बोलो। तो किसके कर्म से खाती है? आपका कर्म का। मौज कर भी। फिर एक बात है। हाँ। मेरे को ये मालूम है। क्या? यह जवाब आपके प्रश्न का किसको दिया है? अरे मंत्री इसकी और पूछ ले। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया ना जी। फिर तुम किसके कर्म से खाते हो? आपका कर्म तो खाऊं, आपका कर्म तो जंगल पानी जाऊं। ठीक है, खाए जा कितना है, जंगल पानी जगह तरह चेपी लुआ दूंगा। ले जाएगा इकट्ठा करके। हमने मालूम है। क्या बेटी किसको दिया है जवाब? जवाब किसको दिया है? किसको दिया है? जो हमारी बहन है बड़ी बीना। बीना? बीना और मैं शहर करने जा रहे थे। अच्छा, ये परवाना था उतार कर उसका जवाब दे दिया उसको। बीना ने दिया? क्यों नहीं, बीना को बुला कर लिया उधर। मैं जाती हूँ। बहन बीना नमस्कार। नमस्कार। पिताजी जो गुस्से में हो रहे हैं जमा। क्या बात है, क्या हो गया? क्या हो गया? वो प्रश्न का जवाब दे दिया तने। फिर क्या हो गया? बात करो, मैं बतलाऊं जाके। पिताजी नमस्कार। बेटी नमस्कार। हाँ बेटी। हाँ मैं को एक बात बताओ। क्या? क्या मेरे प्रश्न का जवाब आपने दिया है? हाँ मैंने दिया है। मैंने आप आपके लिए नहीं लिखा था। अच्छा, मैंने प्रजा के लिए लिखा था। क्या मैं प्रजा में नहीं हूँ? नहीं। क्यों? तू मेरी बेटी है। अच्छा। हाँ मैंने प्रजा के लिए लिखा था। अच्छा, जवाब तो कोई भी दे सकता है। तो इतनी बड़ी होगी? हाँ? मेरे प्रश्न का जवाब देने वाली? क्यों नहीं पिताजी। अच्छा, क्या बात है? एक और बात बताओ। क्या बताऊं? बोलो। तुम किसके कर्म से खाती हो? अपने कर्म का। अपने कर्म से? हाँ। ये कहो बेटी, मैं तुम्हारे कर्म से खाती हूँ। पिताजी प्रजावासी, ये हलकर है बांदी लोंडी, ये सब मेरे कर्म से खाते हैं। देखो, इनको आप दंड और पैसे कुछ भी कहला सकते हो। अच्छा, लेकिन बिना अपने कर्म का खाती है। मैं नहीं, जो बांदी लोंडी नौकर चाकर सब सभी अपने कर्म का खाते हैं। एक बात बता। हाँ। मैं तेरे कर्म की अजमाश करना चाहता हूँ। अजमाओ हैं? अजमाओ। अभी ये कह दो कि पिताजी मैं तुम्हारे कर्म से खाती हूँ। नहीं, बिना अपने कर्म का खाती। बेटी मान जाओ। नहीं मानूंगी। अरे वो मंत्री, माइक लो। बुड्ढे बोलो महाराज। ये बा, क्या एक काम कर। क्या? बिना के लिए एक पति तलाश करके ले आओ। कैसा? जिसके खाने के लिए वस्त्र ना हो। अच्छा। अन हो। अच्छा। पहनने के लिए वस्त्र ना हो। अच्छा। ओढ़ने पहनने के लिए कुछ नहीं हो, नहात गरीब हो, कंगाल। हाँ ठीक है। कै साल का होना चाहिए महाराज? बिना होगी 18 साल की। 18 साल। उसके लिए कम से कम। अच्छा, 20 वर्ष का होना चाहिए। 20 का? हाँ। अगर 20 का ना पावे, दो लिया दस दस के। अरे दो वहां का क्या करेगा? अच्छा ठीक है, एक के ठीक से। ठीक है, लेते हैं महाराज। ठीक है, जाओ। शाबाश सजनों। अब जो लकड़ा रहा है, लकड़ी काटता है, वहां पर मंत्री पहुंच जाता है और कैसे गिरफ्तार करता है उसको और क्या कहता है। था भाई था। हेलो हेलो। सारा बन काट दिया, तेरे को शर्म नहीं आती? क्या है? क्या है? पकड़ा। हाँ, गिरफ्तार करते हैं तेरे को। क्यों? ये सारा बन काट दिया तेरे को। सारा बन काट दिया? हाँ है। सांस गोता खा। अरे लोगो, सांस गोता खा गया। सांस गोता खा गया, खा गया, खा गया। जैसे भोरा बच गया फूल में। पकड़न किसे और ने धोखा खा गया वो। पागल कहाँ जाएगा ना। इसकी हेरा मना। शाबाश। चल ना ना, हेरा मेरा नना लड़ा किसी के साथ। शाबाश शाबाश। हेरा मना। शाबाश। हेरा मना। हेरा मना। किसे की सा।
सा पानी पै दिया के कहने लग गया किसी अरे किसी घर छागी नरपे अरे कुंभे कार चढ़ो सो मेरे शरपे बोले कम तक मिशे ने तो पकड़ो रे जिसका घरबार हो अच्छा कितिया बैठन का ठिकाना हो तेरे कुछ नहीं मेरा नहीं कुछ मैं कंगाल हूँ मैं तो के क्या करूं अरे तू बेकार चलो सो मेरे सर पे एक मेरे घर पे कोना साथ से बिछने मेरे काल रे कोरा एक एक टूटी सी अच्छा ने कटे अमर भौरा
सब थराला यो छोड़ दो रे चलिए कहां जहां पर हम ले जाएंगे कहां ले जाओगे तेरे को राजा के पास ले जाएंगे राजा के पास हाँ जी वो राजा किसा हो से राजा मिलेगा गद्दी पर बैठा है अच्छा हाँ। और राजा गद्दी पर बैठे मिलेगा बेवकूफ के बच्चे गद्दी पे हैं गद्दी पे मदन मोहन जी महाशिव प्रधान सौ रुपए से मान सम्मान करते हैं हेलो बार बार धन्यवाद करते हैं राजा गद्दी पर बैठा मिलेगा उसको नमस्कार करनी है अच्छा 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 नमस्कार करनी है राजा मना नमस्कार अरे तेरे को नहीं उल्लू के बच्चे तेरे को करनी है राजा से मना करनी है राजा से हाँ जय जय हिंद जय हिंद नमस्कार अच्छा नमस्कार राम 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 हाँ अच्छा क्या समझे ठीक है जैसे हम बोलना वैसे ही बोलना है जैसे तुम बोलोगे वैसे ही बोलना है वैसे बोलना है हाँ आइए चल चलिए महाराज नमस्कार नमस्कार ले आए हाँ जी ये है वो नमस्कार करो महाराज से जहर नाम जहर ये क्या कर रहा है नहीं राम राम नुका झुर ओए उल्लू के पट्टे इसको कहो कि राम राम ऐसे राम बोलो ऐसे का टाइम आ रहा है राम राम बोलो क्यों करेगा राम राम बोलो महाराज से क्या बोलूं राम राम ओ राम है ओ राम तेरे तो ऊपर नहीं फेरे दे महाराज इसकी बेल झाड़ दो अच्छा जी ठीक है अंदर चलो किधर अंदर 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 चलो अच्छा आपका काम नाम तमाम काम सब कुछ बतलाओ क्या करते हो कहाँ रहते हो क्या खाते पीते हो लकड़ा पकड़ लिया राजा के पास ले आए राजा के पास पेश किया निवाला तेरा काम नाम काम सब कुछ बता बतलाइए क्या बताना क्या शबाश भाई